हर कोई लता मंगेशकर के गीत का दीवाना है और भला कौन सा ऐसा गाना ना होगा जो उनके मद्दाहों के दिलों में घर किया हो। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि खुद लता मंगेशकर को अपना कौन सा गाना गीत सबसे ज्यादा पसंद था। इस सिलसिले में मशहूर ब्रॉडकास्टर और लता पर कई किताबें लिखने वाले हरीश बहमानी का कहना है कि उन्होंने ये सवाल जब एक इंटरव्यू में लता के सामने रखा तो वो खुद परेशानी में मुब्तला हो गई। हरीश के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले लता से कहा कि वो कोई 5 गीत बता दें। लता का कहना था कि वो किसी गीत की भी कोई दर्जा बंदी नहीं कर सकती। हरीश के जोर देने पर जब बात एक गीत पर आकर ठहरी तो उन्होंने कहा, मुझे इस फिल्म का नाम नहीं मालूम, लेकिन वो मौसीकार मदन मोहन की थी जो ज्यादा नहीं चली, लेकिन इस फिल्म का गीत बैरन नींद ना आए। जिस पर हरीश बहमानी ने इन्हें बताया कि ये फिल्म चचा जिंदाबाद है जो 1959 में रिलीज हुई, जिसके बाद लता मंगेशकर ने हरीश बहमानी से पलटकर दरियाफ्त किया वो खुद बताएं कि इन्हें लता का कौन सा गीत पसंद है। हरीश बहमानी का कहना था कि उनके लिए ये मुश्किल है। लता मंगेशकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब आपके लिए मुश्किल है तो आप अंदाजा लगाएं कि मेरे लिए किसी एक गीत का इंतखाब करना कितना दुश्वार होगा।